लक्ष्मी की हो गई वापसी और आ गई लक्ष्मी ऋषि के घर और लगा लिया ऋषि ने लक्ष्मी को गले। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब आयुष लक्ष्मी के घर वापसी की बातचीत करके ऋषि के घर चला जाएगा और ऋषि आयुष को पूछेगा कि आयुष लक्ष्मी कहाँ है, लक्ष्मी आ रही है क्या। तभी यह सुनकर आयुष ऋषि को सरप्राइज देने के लिए जानबूझकर ऋषि को कहेगा नहीं आ रही, लक्ष्मी भाभी ने घर आने से मना कर दिया। यह सुनकर ऋषि को काफी बड़ा शौक लगेगा और लेकिन ऋषि लक्ष्मी से मिलने के लिए फैसला करेगा और अपने कमरे में लक्ष्मी से मिलने के लिए लक्ष्मी की पसंद का जैकेट पहनेगा। तभी पीछे से मलिष्का आ जाएगी जिसे देखकर ऋषि को काफी बड़ा झटका लगेगा। जहाँ पर जब ऋषि मलिष्का के सामने देखेगा और मलिष्का ऋषि को कहेगी कि क्या हुआ ऋषि, और ये तुमने कैसे पुराने कपड़े पहने हैं, ये जैकेट तो मैं पहली बार देख रही हूँ, ये किसकी पसंद के हैं। जिसे सुनकर ऋषि साफ साफ लक्ष्मी का नाम लेते हुए मलिष्का को कहेगा लक्ष्मी की पसंद के हैं। जिसे सुनकर मलिष्का ऋषि की जैकेट गुस्से से उतारने लगेगी और तभी ऋषि को मलिष्का पर गुस्सा आ जाएगा और गुस्से से ऋषि मलिष्का को कहेगा मैं इसे पहने रखूंगा, तुम इसे मलिष्का जरा सा भी टच भी मत करना क्योंकि मुझे आज ये जैकेट पहनना है, मेरा पूरा इसे पहनने का मन है। यह सुनकर मलिष्का कुछ बोल नहीं पाएगी और लेकिन तभी जब नीचे घर में सारे लोग नाश्ता कर रहे होंगे और नीलम मलिष्का और करिश्मा बुआ ऋषि आयुष और पूरे परिवार को नाश्ता करने के लिए बुलाएगी, तभी लक्ष्मी माता जी के प्रसाद के साथ ऋषि के घर में वापसी करेगी। जहाँ पर नाश्ते के टेबल पर बैठी हुई दादी माँ की नजर लक्ष्मी पर जाएगी और घर के दरवाजे पर से लक्ष्मी घर के अंदर आ रही होगी। तभी खुशी के मारे दादी खाने को बीच में ही छोड़कर खड़ी हो जाएगी और खुश होकर पूरे परिवार के सामने कहेगी लक्ष्मी आ गई। जिसे सुनकर नीलम करिश्मा बुआ को काफी बड़ा शौक लगेगा। जहाँ पर मलिष्का सोफे की चेयर पर बैठी होगी और पलटकर लक्ष्मी को घर के दरवाजे पर से अंदर आते हुए देखेगी, तभी मलिष्का को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा और वहीं ऋषि बहुत दूर घर के कोने में बैठा होगा और अपने हाथों में लक्ष्मी के बारे में सोचते हुए पजल सॉल्व कर रहा होगा। तभी ऋषि को लक्ष्मी के अपने आसपास होने का एहसास होगा और एहसास होगा कि लक्ष्मी घर आ गई है, जिस वजह से ऋषि मन में कहेगा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लक्ष्मी मेरे कहीं आसपास ही है। लक्ष्मी यहीं पर घर आ गई है और दादी जब लक्ष्मी के सामने जाएगी और शौक के मारे गुस्से से करिश्मा बुआ लक्ष्मी को आते हुए देख रही होगी, तभी गुस्से से करिश्मा बुआ लक्ष्मी को वापस घर से निकालने के लिए गुस्से से लक्ष्मी को बेइज्जत करती हुई लक्ष्मी को कहेगी कि लक्ष्मी तुम वापस मुंह उठाकर इस घर में क्यों आ गई, तुम तो पर्ची में लिख के गई थी ना और इस घर को छोड़कर चली गई थी ना, तो वापस इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई, क्यों आई इस घर में, क्या लेना है तुम्हें, कम से कम अब तो हम लोगों को बख्श दो। यह सुनकर लक्ष्मी करिश्मा बुआ की कोई भी बात अपने दिल पर नहीं लेगी और अपने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देगी और तभी दादी लक्ष्मी का साथ देती हुई करिश्मा बुआ को गुस्से से कहेगी ओए करिश्मा बस कर अब चुप हो जा, अब अपने मुंह से तू कितना जहर उगलेगी, यही बात अगर मैं मलिष्का को कहूँ तो क्या होगा, मलिष्का तो अभी फिलहाल हमारे घर की कुछ लगती भी नहीं है और लक्ष्मी तो हमारे इस घर की बहू है, यानी हमारी बहू रह चुकी है, इस हिसाब से लक्ष्मी हमारे घर का सदस्य है ना कि मलिष्का। यह सुनकर करिश्मा बुआ कुछ बोल नहीं पाएगी और तभी लक्ष्मी ऋषि से मिलने के लिए माता जी का प्रसाद लेकर ऋषि के सामने चली जाएगी और लक्ष्मी को अपने आंखों के सामने देखकर ऋषि को विश्वास नहीं होगा और ऋषि लक्ष्मी को कहेगा लक्ष्मी तुम आ गई, क्या तुम लक्ष्मी ही हो, जिसे सुनकर लक्ष्मी हाँ कहेगी और ऋषि लक्ष्मी को खुशी के मारे गले लगा लेगा। और आप ये सब देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और लक्ष्मी ऋषि के घर आकर सही करेगी क्या नहीं, और आप ऋषि लक्ष्मी को एक होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।